किया है वो बच्चों को ये बैग बांटकर लोगों को एकता का मिसाल पेश करने की कोशिश की है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही काबिले कहते हैं सताइश है, और ये होना भी चाहिए इस तरीके के। लोग अगर माशरे में रहेंगे तो भले ही कितना भी बांटने की लोग कोशिश करें, लेकिन ये जो लोग हैं ये बांधने का और बाउंडिंग का काम करते रहेंगे, ऐसी बहुत उम्मीद। आइए बात करते हैं कौमी एकता की। जब आप कभी स्कूल गए होंगे तो बाल भारती नाम की एक किताब मिली होगी, उसमें पहले पन्ने को जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ आगे लिखा होगा, भाषा चाहे जो भी हो मगर उसमें यही लिखा कि हम सभी हिंदुस्तानी भाई और बहन हैं। आज का ये प्रोग्राम रक्षाबंधन के मौके पर है, और एक सेंटेंस है अपने देश में आमतौर से कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ, और मेरे हाथ में ये रक्षाबंधन का ये धागा, यानी अगर इसको मानेंगे तो धागा है, नहीं मानेंगे तो भी धागा है, मगर अगर मानेंगे तो ये भाई बहन का प्यार है। और भाई बहन का प्यार इस दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है, ख़ासकर हमारे देश यानी हिंदुस्तान में। तो बहरहाल रक्षाबंधन के मौके पर हेल्पिंग हैंड भिवंडी शहर से दूर डोंबिवली से आकर संगठन के जिम्मेदारों ने यहाँ प्रोग्राम किया और बच्चों को नाश्ता, बैग और उनको तैयार करने के लिए, उनका एक दिमाग बनाने के लिए उनसे बातें भी की। तो इस तरह के प्रोग्राम भिवंडी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और ख़ास बात इस प्रोग्रामों की ये होती है कि देश में एकता बनी रहे। 1-2% लोग अगर बदमाश है तो उससे देश की तरक्की या देश की एकता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे साथ में नईम भाई है, ये समीर जी हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं। तो बहरहाल आज का ये प्रोग्राम भिवंडी शहर शिवसेना उद्धव ठाकरे गट की तरफ से, नईम भाई और उनकी पूरी टीम की तरफ से आयोजित किया गया था, और डोंबिवली की टीम ने आकर इसमें अपना भरपूर योगदान दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी त्यौहारों पर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। मैं खान फख्र आलम। ओके, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, और हमारी संस्था है हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी, और पिछले 10 सालों से हम इस एनजीओ में काम कर रहे हैं, स्पेशली आदिवासी बच्चे या फिर जिनको ज़रूरत है, इन सभी के लिए हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हम उतना करने की कोशिश करते हैं, और पिछले 10 सालों से हम इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम समीर चौहान है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे नहीं कहूँगा कि देश के हालात ख़राब है, बट जात धर्म और ये सब भी के पकड़ के बहुत झगड़े चलते हैं, हम एक दूसरे से बटे हुए हैं। हम हमारे संविधान में बोलते हैं कि ये देश मेरा है और हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, पर हम वैसे रहते नहीं है। तो हमारे जो नईम जी है जो यहाँ के भिवंडी के प्रमुख है, तो उनसे हमारी जो बीच बीच में बात होती है, वो जो काम करते रहते हैं, तो उनके तरफ से हमें ये संकल्पना आई कि जो हमारे भिवंडी के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जिनको आप थोड़ी मदद भी कर सकते हैं, और उनमें हम जो ये एकता का या जो आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन ऐसे कहा जाता है कि एक दूसरे से बांधने का एक धागा जो रहता है वो एक रिश्ते को दूसरे से बांधता है। तो नईम सर की तरह से हमें ये संकल्पना आई, और हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग ये जो जात है धर्म है हम एक दूसरे को इस धागे से बांध दे, जो कि हम भारत माता के बच्चे हैं और हम सब एक ही है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई अलग पंथ इस्तेमाल करता है, पर हम है एक ही। तो इस त्यौहार पे हमने आज सोचा कि भिवंडी में आएंगे और ये जो बच्चे हैं इनके साथ हम लोग ये जो छोटी सी बैग दी है, जो एक छोटा सा एक गिफ्ट है, पर हमें ये उनके मन में रखना है कि हम सब एक है, और ये जो धागा हमने आज एक दूसरे के कलाई पे बांधा है वो हमें ये हमेशा एहसास दिलाते रहेगा कि हम एक दूसरे से बंधे हैं, और अगर किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और आवाज़ रखनी है अपनी। देखिए, आज के प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो भिवंडी का और पूरे हिंदुस्तान के वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही हेल्पिंग हैंड जिस तरीके से काम कर रही है हमारे भिवंडी शहर में आकर, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भिवंडी शहर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अल्पसंख्यक की तरफ से तमाम भारतीयों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और ये जो वातावरण है देश का,
कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का माहौल बना हुआ है, लोग बांटने में लगे हैं, वहीं पर ये संगठन हेल्पिंग हैंड लोगों को जोड़ने में लगा हुआ है। और उसी जोड़ने की कड़ी में ये काम इन्होंने जो किया है, वो बच्चों को ये बैग बांटकर लोगों को एकता का मिसाल पेश करने की कोशिश की है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही काबिले कहते हैं सताइश है। और ये होना भी चाहिए इस तरीके के, लोग अगर माशरे में रहेंगे तो भले ही कितना भी बांटने की लोग कोशिश करें, लेकिन ये जो लोग हैं ये बांधने का और बाउंडिंग का काम करते रहेंगे, ऐसी बहुत उम्मीद है मुझे आने वाले दिनों में। मेरी इनसे बहुत ज़्यादा इच्छा है, वो उम्मीदें हैं कि ये ऐसे ही काम करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा शुभेच्छा है कि वो ऐसे ही काम करते रहें। शिवसेना अल्पसंख्यक की तरफ से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस तरीके की ये महफिल सजाई इन्होंने और इसी तरीके के प्रोग्राम को ये ऑर्गेनाइज करते रहें। सबसे पहले तो मैं सबको जय महाराष्ट्र पर कहना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी डोंबिवली की तरफ से नईम भाई अंसारी साहब, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के भिवंडी से अध्यक्ष है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के, उनके कार्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया जो बहुत ही अच्छा हुआ। जो बच्चों को उन्होंने बैग दिया, नाश्ता दिया, थोड़ा उनको जो है एंटरटेनमेंट करवाया, और आज उन्होंने जो है रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों को राखी बांधा सब। और मैं पूरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी अभी थोड़े देर पहले साहिब हमारे सर ने जो बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं उसमें कहना है बहुत आसान है हिंदू बनना, मुसलमान बनना, यहाँ सबसे मुश्किल है इंसान बनना। और हम भी इन्होंने इंसानियत का जो आज पैगाम पेश किया है, जो आज बातें बताई है, वाकई में आज सबसे बड़ी देश को जरूरत इंसान बनने की है। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने धर्म के साथ साथ आप इंसान बनिए, आपस में ताल्लुकात बनाए रखें और किसी तरह का वातावरण ख़राब ना करें। और आखिरी में मैं यही कहूँगा, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं हेल्पिंग सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन बच्चों को इन्होंने अपना अपने हिसाब से जो अपना मदद किया है रक्षाबंधन की। मैं नहीं मंसारी अपना मैं अपना डॉक्टर प्रियंका जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और गौरी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, समीर मैडम अपना समीर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भिवंडी में आकर बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं अपना, हर तरह के बच्चे हैं, उनको अपना हेल्प किया अपना हेल्पिंग सोसाइटी की तरफ से, अपने एनजीओ की तरफ से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हिंदू मुस्लिम को एकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग अपना, कुछ जो है अपना असामाजिक तबके हैं, कुछ लोग वो उसको ख़राब करने में लगे हैं माहौल, और आप लोग जोड़ने में लगे, हम लोग जोड़ने में लगे हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा एक अपना हिंदू भाइयों में, मुसलमान भाइयों में, कि ऐसे लोग भी हैं अपना डुम्बीवली से आगे कल्याण से आकर यहाँ पर, मैं भिवंडी में आकर सब एकता की मिसाल पेश किए हैं। तो मैं इन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी अपना शिवसेना पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय। बोला दे दे हमारा।